हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम ऋषभ है और आज है हमारे पास दी ऑल न्यू अर्टिका फेसलिफ्ट 2022 एडिशन। ये है द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी मॉडल ZXi। हालांकि VXi मॉडल भी बहुत बढ़िया है, उसका रिव्यू हम बहुत जल्दी करेंगे, पीछे ही खड़ी है। लेकिन इंपॉर्टेंट मुझे लगा कि ZXi वेरिएंट प्लस बहुत थोड़ा सा यून एक्सपेंसिव होता है, गैप ज़्यादा, फीचर्स उतने ज़्यादा नहीं है। तो आई पर्सनली बिलीव दैट ZXi एक बढ़िया आपके लिए ऑप्शन यहाँ पर साबित होती है। एट अ कॉस्ट ऑफ 10.59 लाख एक्स शोरूम, इट्स अ रियली गुड प्राइस। CNG ऑप्शन लेना चाहेंगे तो 1154 में आपको वो भी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाती है, बट पेट्रोल वाली आई थिंक परफेक्टली फाइन है। CNG जिनकी रनिंग कुछ बहुत ज़्यादा है उन्हीं को सूट वहाँ पर करेगी। बात यहाँ पर करें इसके इंजन की, जो कि एक मेजर चेंज आता है, K15C आ जाता है, जो कि पहले से थोड़ा सा और रिफाइंड किया गया। पावर्स में ज़्यादा कोई फर्क नहीं है तो उसको बताने का कोई फ़ायदा भी उतना नहीं है, बट अच्छी बात यह है कि कंपनी कहती है कि रिफाइनमेंट एंड VH लेवल्स ये कहीं ना कहीं बेटर हुए हैं। अब ये तो ड्राइव करके ही पता लगेगा, तो वो भी आपके लिए जल्दी जो रिव्यू है अपलोड कर दिया जाएगा, तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें। उसके साथ साथ अगर मैं ओवरऑल इसके चेंजेस की बात करूँ तो ग्रिल जो है इसका मेजर चेंज जो आपको फ्रंट में सबसे पहले नज़र जाएगी, और मुझे लगता है कि पहले वाली ग्रिल से कहीं ना कहीं ये वाली ग्रिल थोड़ी और प्रीमियम और बेटर ज़रूर लगती है। देखो, अल्टीमेटली मारुति चाहती थी इस गाड़ी का प्राइस थोड़ा सा हाइक करना, उस वजह से उन्होंने एक फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च कर दिया जिसमें कुछ फीचर्स ऐड कर दिए और आपके लिए एक नई नवेली अर्टिगा फेसलिफ्ट लॉन्च कर दी गई है। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप दिल्ली NCR एरिया से और आपको चाहिए मारुति की अर्टिगा जल्दी से जल्दी, डिलीवरी भी जल्दी, बेस्ट प्राइस, और इनफैक्ट मारुति की कोई भी गाड़ी, टाटा की कोई गाड़ी, MG की या सोनेट, कुछ भी आपको किसी भी ब्रांड की दिल्ली NCR में गाड़ी चाहिए तो इस नंबर पर कॉल या मैसेज जरूर कर दें। आप मुझसे भी बात कर पाएंगे, मेरी टीम से बात कर पाएंगे, वो आपको कनेक्ट करवाएंगे विद द नियरेस्ट डीलरशिप और बेस्ट रेट से लेकर बहुत ही बढ़िया कस्टमर सर्विस आपको प्रोवाइड करेंगे, तो इस नंबर पर मैसेज या कॉल जरूर कर दें। हालांकि फ्रंट साइड में ज़्यादा कोई बड़ा चेंज नहीं यहाँ पर किया, अभी भी आपको हैलोजन हेडलाइट मिलते हैं, बट चेंज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको ये अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं जो कि एक नए डिज़ाइन के साथ आते हैं। यहाँ पर ऑफकोर्स कैप लगेगा, इसमें नहीं, मैं आपको अलग से दिखा देता हूँ। दीज आर 185/65 R15 इंच अलॉय व्हील्स, अच्छे लग रहे हैं, कोई ज़्यादा चेंज इतना मेरे को नहीं लगा कि बोलूँ कि बहुत अच्छे हो गए हैं पहले से ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ, दे लुक परफेक्टली फाइन, दे लुक नाइस। टायर साइज इज परफेक्टली फाइन, अब ड्राइव रिव्यू में ही पता लगेगा एक्चुअल में अर्टिगा चलाने में कैसी हुई है। ZXi में यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर हैलोजन हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, यहाँ पर हैलोजन ही LED नहीं है और अभी भी DRLs नहीं है, तो क्रोम की लाइनिंग एक DRL का इफेक्ट देने के लिए आएंगे। जो आपको हाई बीम लाइट मिलती है वो अभी भी नॉर्मल हैलोजन बल्ब है, प्रोजेक्टर नहीं है, उस चीज़ का ध्यान जरूर रख लें। और इंडिकेटर की बात करें तो आपको यहाँ पर एक छोटा सा बल्ब मिल जाता है फॉर द इंडिकेटर, एंड फॉग में भी आपको नॉर्मल बल्ब ही मिलेगा। LED सेटअप होता तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा लगता, एक प्रीमियम लगता है, लेकिन फिर XL6 में और इसमें डिफरेंस तो डालना ना कहीं ना कहीं, इसलिए इस तरीके का रखा गया। ग्रिल डेफिनेटली अच्छी लगती है, सुजुकी का लोगो ऑफ कोर्स उतने साइज़ का ही आ रहा है, नीचे का बम्पर वाला साइज़ भी आपको प्रॉपर और शेप डिज़ाइन ऑलमोस्ट वैसा ही मिलता है, कोई ज़्यादा आपको चेंज नहीं देखने को मिलेगा। और साथ में गाड़ी की ओवरऑल स्टैंड और फ्रंट प्रोफाइल सिमिलर है, इसमें कोई चेंज नहीं है। चलिए अब इंटीरियर में, क्योंकि वहाँ पर चेंजेस हैं, वो आपको दिखा देता हूँ। मारुति अर्टिगा की जो की है वो अभी भी पहले जैसी ही रखी गई, और काफ़ी सारी मारुति के व्हीकल्स में भी ऐसी ही आपको की मिलती है, ज़्यादा आपको यहाँ पर फर्क देखने को नहीं मिलेगा। बट इंटरेस्टिंगली जो इंटीरियर में चेंज है वो है इसका ये वुडन फिनिश, ये कहीं ना कहीं पहले से थोड़ी सी डिफरेंट कर दी गई है। हालांकि पहले भी वुडन फिनिश आती थी लेकिन वो थोड़ी सी अलग होती थी, उसका डिज़ाइन अलग होता था। उसके अलावा अर्टिगा में किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। फीचर्स वाइज ZXi में आपको बहुत कुछ मिलता है, जैसे कि टच स्क्रीन, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, मैनुअल IRVM, हैलोजन लाइट्स यहाँ पर, एक डिजिटल MID विद योर डिटेल्स, साथ में एनालॉग आपको स्पीडोमीटर और टैकोमीटर वाली ऑप्शन मिल जाती है, स्टीयरिंग मॉनिटर कंट्रोल्स, वॉइस कमांड, फुली ऑटोमेटिक AC और उसके साथ साथ 12 वोल्ट का सॉकेट और USB सॉकेट के साथ साथ ऑक्स की ऑप्शन भी आपको यहाँ पर यहाँ नहीं है, नॉर्मली मारुति की उसमें होती है, बट नेवर माइंड, यहाँ पर आपको ऑक्स की ऑप्शन यहाँ पर नहीं दी गई है। छोटा सा यहाँ पर आपको स्टोरेज ऑप्शन दी गई है, बहुत ही छोटी, साथ में आपको हाइब्रिड स्टार्ट स्टॉप की ऑप्शन अब ZXi वेरिएंट में मिलनी शुरू हो गई है, विच इज़ अगेन अ रियली गुड थिंग। अब आप सोच रहे होगे कि इसमें बहुत कुछ है, अब ड्यूल एयर बैग, ABS, EBD सेफ्टी के नाम पे, AC वेंट्स की बात करो तो यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ मिल जाते हैं, फ्रंट तो है ही। बहुत लोगों को लगता है कि यहाँ पर ये AC वेंट्स दिए हैं, दिस आर नॉट AC वेंट्स बट ये इनलेट्स की तरीके से एक तरीके से काम करते हैं, जो कि पीछे ही ब्लो करते हैं स्पीड फॉर द सेकंड रो एंड द थर्ड रो एज वेल। फ्रंट के लिए अभी भी सामने की तरफ ही आपको AC मिलेंगे, जैसे कि यूजुअली गाड़ियों में आपको मिलता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ZXi और ZXi प्लस, देखो सारे फीचर्स तो दे रही है ZXi, तो प्लस में क्या फर्क है? देखो प्राइस तो उसके ऑब्वियसली थोड़े ज़्यादा है, यहाँ पर सब कुछ आपके लिए लिख रहा हूँ, बट कुछ एडिशनल फीचर्स आपको ZXi प्लस में मिल जाते हैं जो कि मुझे लगता है कि ज़रूरत वाले नहीं है, बट हाँ किसी को चाहिए तो ठीक है। एक तो 4 एयरबैग्स, आपको सबसे पहले बताता हूँ, 2 एयरबैग्स फ्रंट रहते हैं, 4 एयरबैग्स बिल्कुल साइड वाले, छोटे छोटे बैग्स होते हैं जो कि साइड इंपैक्ट में थोड़ी सी आपकी हेल्प करते हैं। उसके साथ साथ आपको क्रूज कंट्रोल टॉप मॉडल में मिल जाता है, रिवर्स पार्किंग कैमरा वो एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि टॉप मॉडल में मिलता है, बट आई पर्सनली बिलीव सिर्फ रिवर्स कैमरा के लिए टॉप मॉडल पर मत जाना, ZXi लो, उसमें कैमरा बाहर से या कंपनी से ही मतलब इंस्टॉल करवा लो, वो आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन यहाँ पर साबित होगी फॉर श्योर।
हालांकि अंदर का जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ पर आपको डिफरेंट मिल जाता है ZXI में एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस अर्टिगा। तो यहाँ पर आपको जो ड्यूल टोन ट्रीटमेंट है, जो डिज़ाइनिंग है, वो कहीं ना कहीं और थोड़ी सी अप मार्केट और बेटर लगती है। कंफर्ट वाइज, माइलेज, ड्राइविंग, हैंडलिंग, ये सब ड्राइव रिव्यू में डिस्कस करेंगे, तो वेट कर लें और सब्सक्राइब कर लें। टॉकिंग अबाउट द रियर साइड ऑफ द अर्टिगा, यहाँ पर आपको एक ये जो क्रोम की पूरी स्ट्रिप है इंटीग्रेटेड है, ऊपर नहीं लगाई है, अंदर लगी, उस चीज़ का ध्यान जरूर है, इनग्रेव्ड की तरह से है, वो आपको नई अर्टिगा में एक्स्ट्रा मिल जाती है। उसके अलावा ऑफकोर्स वॉशर, हाई स्टॉप लैम्प, वाइपर और साथ में आपको डिफॉगर्स तो यहाँ पर मिल ही जाते हैं। और जो लाइट्स का डिज़ाइन है वो पहले जैसा ही रखा गया है। हालांकि जब लॉन्च नहीं हुई थी गाड़ी, तब हमें किसी ने कहा था, पता लगा था सोर्सेज सूत्रों के अनुसार, कि लाइट्स थोड़ी सी रियर वाली चेंज की जाएंगी, बट अनफॉर्चुनेटली उसे नहीं चेंज किया गया, बिकॉज ये वाली लाइट ना मारुति के पास काफ़ी स्पेस पड़े हैं, उसको बेचना है उन्होंने, तो इसीलिए यहाँ पर पड़े हैं। रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको 4 मिल जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ZXI वेरिएंट में आपको कैमरा यहाँ नहीं मिलता, जिसे आप बाहर से लगवा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बात करते हैं इसकी सेकंड रो की, यहाँ पर मेरे को एसी वेंट्स ऊपर मिल जाते हैं। इन एसी वेंट्स का सबसे अच्छा फायदा पता है क्या है, कि आपको डायरेक्ट हवा मिलती है। जब नीचे होते हैं या साइड पे होते हैं तो उतनी ज़्यादा हवा नहीं मिलती, यहाँ पर प्रॉपर आपको मिल जाती है। इनफैक्ट आप यहाँ पर स्पीड भी एडजस्ट कर सकते हो, नॉब दिया गया 1, 2 and 3 एंड फैन ऑफ का ऑफकोर्स आपको ऑप्शन मिल जाती है, और 4 एसी वेंट्स है। हालांकि दीज आर जस्ट ब्लोअर्स जो आगे से हवा पीछे लेकर आएंगे, बट स्टिल दे वर्क रियली गुड, आपका पर्पज सॉल्व होता है। यहाँ पर बात करो सीट्स वगैरह की, तो मुझे वैसे कंफर्टेबल काफ़ी लग रही हैं। फैब्रिक और जो पैडिंग है वो चेंज नहीं की गई है, बट पता नहीं क्यों कि कंपैरेटिवली अभी अर्टिगा मेरे पास ऑलरेडी एक है, मतलब फैमिली में किसी की है, तो वो मैं ज़्यादा चलाता हूँ, पीछे कम ही बैठा हूँ, बट ये वाली ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही। तो आई पर्सनली बिलीव दैट मारुति ने कहीं ना कहीं इसके कंफर्ट में जो कुशनिंग है, पैडिंग है, उसमें शायद थोड़ा सा फ़र्क है, या मे बी ये नई है तो लग रही है, बट डेफिनेटली आपको एक अच्छा कंफर्टेबल राइड अर्टिगा प्रोवाइड करने वाली है। अच्छा खासा आपको यहाँ पर लेग रूम मिल जाता है, पीछे फ़ोन की स्टोरेज, छोटा मोटा सामान रख सकते हैं, 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। हालांकि यहाँ पर USB पोर्ट आपको नहीं मिलता है, आगे भी आपको सिर्फ एक USB पोर्ट मिलेगा, जिससे आप एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले और फ़ोन चार्ज कर पाएंगे, बट वो सिर्फ सिंगल है, तो उस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। डोर आपको पहले की तरह काफ़ी बड़ा मिलता है, जिससे आपको उठना बैठना काफ़ी ईजी हो जाता है। ये वाली सीट्स जो है यहाँ पर आपको 60-40 स्प्लिट मिल जाती है इन द ZXI मॉडल, और उसके साथ साथ आपको सेंटर में एक आर्मरेस्ट मिलती है, जो कि अभी ये प्लास्टिक की वजह से मैं दिखा नहीं सकता, बट हाँ आपको एक आर्मरेस्ट मिल जाती है, अच्छी खासी सपोर्ट वो देती है आपको, और अच्छी एक क्वालिटी भी आपको लगती है अर्टिगा में, ऐसी की कमी नहीं लगती है अर्टिगा में, यार फिट एंड फिनिश अच्छी नहीं है या आपको बेटर क्वालिटी मिल सकती थी, ऐसा कुछ नहीं, इट्स रियली रियली गुड। अर्टिगा में अगर आप थर्ड रो में जाना चाहते हैं, तो आपको इसको प्रेस करके यहाँ से भी ऊपर करके ये आगे और ये पूरी आगे गई और ऐसे, और इससे आप अंदर जा पाएंगे। हालांकि जैसे कि किया कारंस वगैरह में प्रॉपर टम्बल डाउन वाली सीट्स आती हैं, वो यहाँ पर मिसिंग है, होती तो अच्छा लगता है, बट इट्स ओके, प्राइस भी तो कम है। पीछे स्पेस कितनी मिलती है आओ आपको दिखाता हूँ। थर्ड रो में आ तो गए, लेकिन कंफर्ट कितना है, तो पहले आपको कुछ फीचर्स बताया था, यहाँ पर कप होल्डर, 12 वोल्ट का सॉकेट, और इस तरफ भी आपको एक कप होल्डर मिल जाता है। और अगर हम एसी वेंट्स की बात करें, तो वही जो आगे वाले 4 पोर्ट्स हैं, जो वेंट्स हैं सॉरी, वही आपका एसी का काम करेंगे। बट अच्छी चीज़ पता है क्या, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, और ये वाली सीट्स भी 50/50 यानी 50:50 में फोल्ड हो जाती हैं, तो आपको स्पेस लगेज वाली अच्छी मिल जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीज मेरे कम्प्लीटली आगे टच होते हैं, तो मेरी हाइट इज़ 5'8", तो मजबूरी में बैठना पड़े तो थर्ड रो में डेफिनेटली मैं बैठ जाऊंगा, बट आई पर्सनली बिलीव कि कहीं ना कहीं अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसी को पीछे बैठना चाहिए। कंफर्ट वाइज 6-7 out of 8, सीट्स की क्वालिटी अच्छी बट स्पेस आपको ओकेश मिल जाती है। अब 7 सीटर के साथ जो सबसे बड़ी इशू, प्रॉब्लम या एक टॉपिक आता है, वो आता है इसकी बूट स्पेस का। बूट स्पेस आपको अगर सीट्स प्रॉपर हैं, तब आपको 209 liters की बूट स्पेस मिल जाती है, विच इज़ आई थिंक अ गुड नंबर। बट आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर इसको और बढ़ाना चाहते हैं, तो सिर्फ आपको ये सीट्स को रिक्लाइन करना है, थोड़ा सा रिक्लाइन करेंगे आपको जगह और मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इनको कंप्लीट फोल्ड कर देंगे और इस सीट को भी फोल्ड कर देंगे, तो आपको अराउंड 585 आई थिंक, बट 500 से ज़्यादा अच्छी खासी फ्लैट फ्लोर वाली बूट स्पेस मिल जाती है। प्लस अगर आप देखेंगे तो आपको सीक्रेट कंपार्टमेंट्स यहाँ नीचे भी दिए गए हैं अपना सेंसिटिव सामान रखने के लिए। तो बूट स्पेस की कमी, स्टोरेज की कमी, आई रियली डोंट थिंक सो कि अर्टिगा में आपको महसूस होगी। इनफैक्ट 5 सीटर में तो बिल्कुल भी नहीं, 7 सीटर में भी आपको एज़ कम्पेयर टू द कॉम्पिटिशन अच्छी खासी यहाँ पर जगह जो है वो मिल जाती है इन दीज सीक्रेट कंपार्टमेंट्स एज वेल। और आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों दिया होता है, ताकि ये एक फ्लैट फ्लोर बन सके, इसीलिए ऊपर से उसको कवर किया जाता है। तो ग्रेट स्पेस इन दी अर्टिगा एंड उसके साथ साथ ग्रेट कंफर्ट एज वेल। तो ये था मेरी तरफ से द ऑल न्यू अर्टिगा ZXI मॉडल, एक वैल्यू फॉर मनी मॉडल। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मॉडल, डू लेट मी नो बाय कमेंटिंग बिलो, एंड उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, बिकॉज बहुत जल्द अर्टिगा में हम ड्राइव रिव्यूज, VXI वर्सेस ZXI सब कुछ अपलोड कर रहे हैं, तो उसको चेकआउट जरूर कर लें, कुछ हो भी चुका होगा और अमेजिंग वीडियोस आते रहते हैं। और याद है ना, दिल्ली एंड से कोई भी गाड़ी चाहिए
कोई भी गाड़ी तो इस नंबर पर कॉल या मैसेज जरूर कर दें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।